जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे मल मास। मल मास अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास 19 वर्ष बाद बन रहा है ये शुभ संयोग, इसलिए बिल्कुल भी ना हो भ्रमित। मल मास को लेकर बिल्कुल भ्रमित ना हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा करें कि नहीं करें, व्रत करें कि नहीं करें, इस महीने में क्या करना चाहिए, इस माह का क्या महत्व है, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मल मास यानी कि मल मास कहो, खर मास कहो, पुरुषोत्तम मास कहो, अधिक मास कहो, हर 3 साल में एक बार बार पड़ता है ये महीना। और ज्योतिष शास्त्र में इस वर्ष को मल मास के तहत कहा जाता है, जिस कारण यानी कि हिंदू वर्ष इस बार 13 महीने का होने जा रहा है, क्योंकि मलमास भी 19 वर्षों बाद, 19 वर्ष पहले सावन में मलमास आया था, तो इसलिए 19 वर्षों बाद ये शुभ संयोग हो रहा है। तो विशेष पुण्यकारी, विशेष फलदायी है ये महीना। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा मलमास, क्योंकि सावन 4 जुलाई से प्रारंभ है और 31 अगस्त तक खत्म होगा। उस बीच में एक महीना यानी कि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा, अधिक मास रहेगा या खर मास का हो या पुरुषोत्तम, इस महीने का बहुत महत्व है। मंगलवार के दिन से प्रारंभ होगा, 18 जुलाई मंगलवार से और 16 अगस्त बुधवार तक रहेगा। 3 साल में आने के कारण और पुरुषोत्तम मास होने के कारण इस महीने का अधिक महत्व इसलिए भी है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान नरसिंह से जुड़ी कथा प्रचलित है, उन्हीं की पूजा करने का विशेष फल। इसमें ये भ्रमित ना हो कि अब मल मास है तो हम व्रत नहीं करें क्या, हम पूजा नहीं करें क्या। इसमें जो वर्जित कार्य है वो पूरे मास में वर्जित कार्य ये है कि आपको कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। आपको विवाह नहीं करना चाहिए, नामकरण संस्कार नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुंडन कर्ण छेदन आदि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, व्यापार नया नहीं बदलना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, घोर नरक भोगना पड़ता है, और तुलसी के पौधे को अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, चावल का मांड नहीं खाना चाहिए, उड़द मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मूली और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। खर मास में ये है वर्जित कार्य। इसके अलावा अब हमें करना क्या चाहिए, देखिए खर मास में यानी कि इस पुरुषोत्तम मास में जितनी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाए उसका 10 गुना अधिकों के फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं और इसके साथ साथ श्री मद भागवत गीता के पुरुषोत्तम मास का महत्तम आप पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, राम कथा का वाचन कर सकते हैं या कह सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अनंत अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। पूरे महीने के व्रत भी किए जाते हैं, बहुत सारे लोग सावन के व्रत करते हैं या बहुत सारे लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उन्हें डेट नोट कर लेनी चाहिए कि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक उन्हें व्रत करना है। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ये महीना धर्म और कर्म के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। आप इस महीने में जितना भी संभव हो उतना कर सकते हैं, एक समय सात्विक भोजन करके भी आप रह सकते हैं, नहीं तो आप दोनों समय भोजन करिए, लेकिन साथ दीप दान करने का बहुत महत्व है पुरुषोत्तम मास में। जहां भी आप देखें, किसी पौधों के नीचे, जलाशय में, मंदिर में, किसी सुनसान वीरान जगह, अपने घर की छत पर, जहां भी चाहें वो दीप दान आप कर सकते हैं। ध्वजा दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। किसी भी सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में पीले रंग का ध्वजा अगर आप दान करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत कृपा आपके ऊपर बरसती है, आपके जीवन से सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं। तो इस खर मास से मल मास में या पुरुषोत्तम मास में जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इस बीच में पड़ने वाले सावन के व्रत भी पूरे कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहे तो 2 सावन के शुभ में और 2 आखिर के भी कर सकते हैं। लेकिन इस खर मास के लिए मैं और भी आपको चीजें बताऊंगी कि आप ऐसा क्या जबरदस्त वाला काम करें कि आपके जीवन में अनेकों अनेकों परेशानी जो आने वाली है वो छू हो जाए। लेकिन फिलहाल जितना बताया इतना काम पुरुषोत्तम मास में विशेष फलदायी रहता है, इसको आप अवश्य करें। आशा करती हूँ आपका बहुत सारा भ्रम दूर हो गया होगा, शुभ संयोग बन रहा है, इसका फायदा जरूर उठाइएगा, भगवान की भजन में लीन रहिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।
मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंग बली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।